जिंदाबाद। जिस तरह से ये गुस्ताखाना खाके शाया किए गए, जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों की दिल आजारी हुई है, वैसे ही उससे ज्यादा यहाँ की अकलियतों की दिल आजारी हुई है। क्योंकि हम समझते हैं हजूर पा रहमतुल मुसलमीन नहीं थे, वो रहमतुल आलमीन थे, और हम में भी वही जज्बा है। हम इस मौके पर आप देखें, हम क्रिश्चियन बिरादरी, हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी, पारसी बिरादरी सब इकट्ठे हैं और इस इकदाम की शदीद मुजम्मत करते हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि इजारे आज़ादी के आड़ में ऐसा मकरू धंधा ना करे, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये मुस्लिम उम्मा अपने हजूर पाक पर जान निछावर कर सकती है। वो इससे इतनी मोहब्बत करती है कि अपने माँ बाप से भी ज़्यादा करती है। अगर किसी के माँ बाप के खिलाफ कहा जाए तो वो उसका मुंह तोड़ने के लिए तैयार होगा। तो आप समझे कि नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो मैं समझता हूँ कोई मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान तो अपनी जगह पर, हम तमाम अकलियती आबादी जो पाकिस्तान के सफेद झंडे का हिस्सा है, इस मजमूम कार्रवाई को, इस मजमूम धंधे को हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। और तमाम लोग हमारे साथ नारा लगाते हैं गुस्ताखे रसूल पर, गुस्ताखे रसूल पर। मैं बता देना चाहता हूं
चाहता हूँ दुनिया को, मैं फ्रांसीसी सदर को बता देना चाहता हूँ कि जो आप इनाम नियाद आज़ादी कहते हैं ये हमारे दिलों पर तीर की तरह घुस रही है। बराए मेहरबानी अपनी आज़ादी अपनी जेब में रखें और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप इरशादात पढ़ें। उन्होंने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया, इंसानों पर सिले रहमी का दर्स दिया, उन्होंने इंसानों से आगे जाकर जानवरों पर भी रहम का दर्स दिया है। मैं समझता हूँ, मेरी ये है राय कि जो हजूर पाक की शान में गुस्ताखी करता है तो मैं कहता हूँ वो इंसान तो नहीं जानवर भी नहीं है। शाने रसालत पर गुस्ताखी करने वाले पर लानत, शाने रसालत पर गुस्ताखी करने वाले पर लानत। और मैं आपके तवसुस से ये इत्तेजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ और दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हमारे मोहब वतन जो पाकिस्तान की अकलीती बरादरी है अपने मुसलमान भाइयों के साथ है, उनके गम में बराबर के शरीक है, और जिनकी मुसलमान भाइयों की दिल आज़ारी हुई है उससे ज़्यादा हमारी दिल आज़ारी और हमारा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। रसूल पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के तमाम मसीही फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाकों की अशात हुई है उसे कंडेम करते हैं, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं फ्रांसीसी हुकूमत से कि वो इस पे अपॉलोजी दे, माफ़ी मांगे और बाकायदा उन ममालिक में भी सिर्फ बातों से नहीं कानून साजी की जाए कि किसी भी मजहब और किसी भी दीन या मजहबी रहनुमा इवन जो हमारी अजीम शख्सियात हैं जो अध्ययन में जिनका दर्जा इंतहाई उत्तम है सबसे बड़ा है उनकी मुखालफत में कभी भी आज़ादी राय की आड़ में गुस्ताखी ना की जाए। इसलिए हम बलूचिस्तान के जो मसीही हैं, पाकिस्तान के जो मसीही हैं, पूरे पाकिस्तान में इन सारे वाक़यात को कंडेम करते हैं, रद्द करते हैं और अपील करते हैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम उन बड़ी क़ियादतों से कि वो आला सतह पर सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए अक्वामे मुत्तहदा में बकायदा कानून साजी की जाए और इन सारे ऐसे कामों को आइंदा आने वाले वक्तों में मुस्तकिल बुनियादों पर रोका जाए। जैसा कि पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है कि बानिए इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो फ्रांस की तरफ से हुई है और पूरी दुनिया इस पर एहतजाज के लिए खड़ी हुई है, इसी तरह हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है और हमारे बलूचिस्तान की मिनॉरिटी की जो क़ियादत है वो हमारे साथ एक पेज पर है और हम इस चीज़ को पुरजोर मजम्मत करते हैं कि किसी भी मज़हब की तोहीन करने का किसी को भी हक नहीं है और हमारा ये मुतालबा है मिनॉरिटीज़ ऑफ बलूचिस्तान, मिनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान का कि जिसने भी ये इकदाम उठाए ऐसे एलिमेंट्स को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और मेरे यूरोपियन ममालिक और जो यूनाइटेड नेशन है उन पर भी मुतालबा है कि वो फ्रांस हुकूमत से पूछें कि इस तरह के गुस्ताखाना खाके जो करवा रही है गवर्नमेंट, क्या उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारी पुरजोर मजम्मत है, उस पर यूनाइटेड नेशन एक्शन ले और उस बंदे को जो है ना पूरी सख्त से सजा देनी चाहिए। जितना दुख मुसलमान भाइयों को हुआ उतना ही दुख हमें भी हुआ है। हमारी ईसाइत में ये किसी मजहब की तोहिन करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं उस पर लानत भेजता हूँ फ्रांस को, अगर वो ईसाई है तो उस पर लानत है। क्यों? ईसाइत में किसी मजहब की तोहीन करना या जिल्लत करना यह हमारे मजहब में भी रवा नहीं है। और हम आप इस जो गंदे काम की जितनी भी मजम्मत करता हूँ अपनी आवाम की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से मैं मजम्मत करता हूँ इसकी। और ये जो ये गुस्ताखाना हरकत की गई है उसके लिए हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं, उनके गम गुस्से में उनके साथ शरीक हैं और पुरजोर एहतजाज करते हैं फ्रांस के जिसने भी ये जो हरकत की है वो उसको जो है आलमी अदालत में घसीटा जाए और उससे वो जो है इससे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसे हरकत क्यों की। आखिर में मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, अकलियत बरादरी जिंदाबाद। मैं इस मुल्काना जो ये जो हरकत हुई है मैं इसकी शदीद अल्फाज में मैं अपनी तरफ से हिंदू बरादरी की तरफ से, बलूचिस्तान हिंदू बरादरी की तरफ से, पाकिस्तान की हिंदू बरादरी की तरफ से इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और ये मुतालबा करता हूं कि ये फ्रांसी सदर को सरेआम लटकाया जाए ताकि उसको ये एहसास होवे कि किसी की दिल आज़ादी करना ये बहुत बहुत ही गंदा काम है, गलूना काम है, इसमें किसी की भी दिल आज़ादी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम की इन्होंने दिल आज़ादी की है, तोहीन की है, किसी मज़हब की भी जो है ना वो तोहीन नहीं करनी चाहिए। ये
इंसानियत होनी चाहिए। मैं आखिर में ये मुतालबा करता हूँ कि इसको सरेआम लटकाया जाए। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं।